नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां रोसड़ा में सफाई कर्मी राम सेवक राम की पुलिस हिरासत में बेरहमी से हुई पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई मौत के खिलाफ भाकपा माले नेताओं ने बाबूलाल चौक से उजियारपुर रेलवे स्टेशन तक प्रतिवाद जुलूस निकालकर रोसड़ा डीएसपी व थाना अध्यक्ष का पुतला दहन किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माले नेता फूल बाबू सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में पुलिस शस्त्र कानून बनाकर नीतीश कुमार ने आम लोगों का दमन करने के लिए पुलिस कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को खुला सांड की तरह छोड़ दिया है। रोसड़ा में सफाई कर्मी राम सेवक राम को अपनी मजदूरी का पैसा मांगने के कारण हुए विवाद में थानाध्यक्ष और डीएसपी ने उसे हिरासत में लेकर इस तरह पिटाई कर दिया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। इधर पुलिस ने फिर से बेवजह 70 ग्रामीणों को नामजद तथा 400 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर मानवजीत सिंह ढिलो सफाई कर्मी की पिटाई से इनकार करते रहे और इसी बीच डीएमसीएच में राम सेवक राम की मौत से प्रमाणित हो गया कि एसपी झूठा बयानबाजी कर रहे थे। श्री सिंह ने इस घटना की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराने व दोषी पुलिस कर्मियों को सजा दिलाने की मांग की है। इधर भाजपा माले नेता गंगा प्रसाद पासवान ने कहा है कि रोसड़ा डीएसपी और थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सफाई कर्मी राम सेवक राम की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए तथा मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गारंटी किया जाए। मुखिया अर्जुन दास, छात्र नेता मोहम्मद फरमान, ललित कुमार सैनी, प्रवीण आनंद, रोहित कुमार, राहुल कुमार, गुरम सैनी, दिनेश सैनी, दिलीप शर्मा, विनोद दास, रमेश सिंह, कुलेंद्र प्रसाद सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। रोसड़ा पुलिस के द्वारा सफाई कर्मी राम सेवक राम की बर्बर पिटाई की गई, जिसके खिलाफ वहां आक्रोश भी भड़का। पब्लिक का आरोप था कि निर्ममता के साथ रोसड़ा पुलिस ने डीएसपी के उपस्थिति में राम सेवक राम की पर जानलेवा हमला किया है और बर्बर पिटाई किया है, लेकिन समस्तीपुर के एसपी, रोसड़ा के डीएसपी एकदम थेथरलॉजी पर अड़े रहे कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। कल के दिन पटना के पीएमसीएच में राम सेवक राम की पिटाई के कारण मौत हो गई है। इसलिए हम लोगों ने कहा, भाकपा माले ने पूरे बिहार में मांग किया है कि रोसड़ा के डीएसपी, वहां के थानेदार के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, ये पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए, साथ ही उसके राम सेवक राम के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। इस मांग को लेकर समस्तीपुर के सभी प्रखंडों में भाकपा माले ने आज के दिन वहां के डीएसपी और एसएचओ का पुतला दहन करके विरोध जताया है और हम इस लड़ाई को पूरे बिहार में फैलाएंगे। दलित उत्पीड़न को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। फूल बाबू सिंह, भाकपा माले, जिला स्थायी कमेटी सदस्य, समस्तीपुर।